अच्छा जी, अच्छा। इस लिंक के चैप्टर में हम तीन बातें ये टोटल पढ़ने लगे हैं। हर चैप्टर को इसने इस तरह से जो है ना किया हुआ है कि जी तीन तीन करके ना टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है पूरे के पूरे HTML को। तो सबसे पहली बात ये इसमें पढ़ाने लगा है कि जी क्रिएटिंग लिंक बिटवीन पेजेस, के पेजेस के दरमियान जो है ना लिंक कैसे बनाया जाए। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज के दरमियान लिंक कैसे बनाया जाए। अभी तक जो हमने वेबसाइट तैयार की है, जो CV वाली वेबसाइट आपने लास्ट बनाई थी, या अभी जो रेसिपी वाली वेबसाइट आप बनाएंगे, तो उस वेबसाइट में एक ही पेज हुआ करता था। ठीक है, एक से ज़्यादा पेज वाली वेबसाइट हमने अभी तक नहीं बनाई है। तो ये क्रिएटिंग लिंक बिटवीन पेजेस में सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एक से ज़्यादा पेज की एक वेबसाइट हम आज बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, अच्छा, वंस हम वो वेबसाइट बना लेंगे, चार पेजेस की एक स्टैंडर्ड जो वेबसाइट होती है, स्टैंडर्ड तो नहीं, बिल्कुल बेसिक एक वेबसाइट होती है चार पेजेस की, कि जी होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट, उसमें हम बना लेंगे। और फिर हम ये करेंगे कि जी एक पेज से उठ के जब दूसरे पेज पे जाना है तो वो कैसे हम जाएंगे, लिंक के जरिए, वो हम देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हम पढ़ेंगे कि लिंकिंग टू अदर साइट्स, कि अगर जी हमें हमारी वेबसाइट से एक बटन दबाने पे हमें एक दूसरी वेबसाइट पे जाना है तो वो हम कैसे करेंगे। नंबर थ्री पे ईमेल लिंक्स। ईमेल लिंक क्या होता है कि जी एक लिंक पे क्लिक करते हैं और ईमेल का जो सॉफ्टवेयर मेरे मशीन में इंस्टॉल होता है वो ओपन हो जाता है। और आउटलुक वगैरह यूज़ किया करते थे, अभी भी बहुत सारी जगहों पे कॉरपोरेट्स में इस्तेमाल होता है आउटलुक। या अगर मैंने गूगल क्रोम को प्रॉपर सेटअप किया हुआ है सेटिंग से जाके जीमेल को लेकर, तो क्या होगा कि जीमेल ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम के ऊपर। वेल, ईमेल लिंक्स इज क्वाइट ओल्ड, अब इतना इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी रिप्लेसमेंट में अब जो नई चीज़ आ गई है, दैट इज़ व्हाट्सएप लिंक। कि जी एक बटन हम दबाते हैं तो व्हाट्सएप, अगर मोबाइल है तो मोबाइल ऐप खुल जाती है व्हाट्सएप की, अगर डेस्कटॉप है या ब्राउज़र है तो वो web.whatsapp खोलने की कोशिश करता है। तो हम ईमेल लिंक भी पढ़ लेंगे, साथ साथ हम ये व्हाट्सएप वाला भी पढ़ लेंगे जिसका बुक में जिक्र नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात लिखी है जी कि लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब। लिंक जो है वेब का, वेब हमने डिस्कस किया था पहली जो क्लास थी हमारी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हमने देखा था, और वेबसाइट या वेब क्या होता है वो हमने देखा था। तो कौन मुझे बताएगा कि वेब क्या होता है, जरा दो जुमलों में, ताकि वो रिकॉल हो जाए बात। हाँ भाई चारा टाइप का होता है जी, दोस्तों सर, जाल होता है सर। एक जाल होता है, नहीं वेब का अंग्रेजी में तो मतलब यही होता है जाल, लेकिन वेब हमारा जो टर्मिनोलॉजी वेब है, ये इसकी जरा सी बात करें। और कोई बताया जरा मजीद बेहतर अंदाज में जी, इंटरनेट क्या चीज होती है, ये सवाल है। इंटरनेट से कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट इटसेल्फ क्या चीज है, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज वेब, ये सवाल है। दोस्तों ने जवाब तो दिया है करीब करीब, लेकिन उस तरह से नहीं बताया जिस तरह से मैं सुनना चाह रहा था जी। और कोई बताना चाहेगा। हाँ भाई छोटे, कहाँ घूमो तुम, इसको पता ही नहीं मैंने क्या सवाल। हाँ भाई, नहीं पता तुम्हें भी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होंगे तो वेब बनेगा। देखो पता तो तुम लोगों को है, लेकिन तुम लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, बोल नहीं पाते हो, सही है। तो इसको ज़रा सा बेहतर करो। जो वेब होता है, वेब अंग्रेजी में जाल को कहते हैं, जब आपस में कंप्यूटर जब कनेक्ट होते हैं तो वो भी एक जाल की सूरत अख्तियार कर देता है। अगर 200 कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर तमाम 99 कंप्यूटर से अगर जुड़ जाए तो वो एक जाल की सूरत अख्तियार कर देगा ना, है ना। तो इंटरनेट, इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर का जो जाल है उसको हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ जितने भी 20-25 कंप्यूटर रखे हुए हैं, इनमें से हर एक कंप्यूटर बाकी के तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है। ठीक
ठीक है, हर एक कंप्यूटर, अब इमेजिन करो कि एक धागा इस कंप्यूटर से निकले और वो तमाम कंप्यूटर में जा रहा हो, फिर एक धागा उस कंप्यूटर से निकले और वो तमाम में जा रहा हो समेत इसके, फिर एक तीसरे से निकले वो भी तमाम में जा रहा हो। तो दिस इज हाउ, जब ये मैं कह रहा हूँ कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर मौजूद हर एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ये जब पूरा खत्म होगा ना वहां तक, तो एक जाल बन जाएगा। काफी नहीं, एक ही धागा तो सबसे जा रहा हो, लेकिन मैं इससे बैठ के उसको एक्सेस कर सकता हूँ, इस कंप्यूटर से बैठ के मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कनेक्ट हो हाँ हो रहे, नहीं वो मिसाल दे रहा हूँ मैं, लेकिन वो तुम्हारा सवाल वैलिड है। दोस्त ने ये कहा कि यार अगर मेरे पास 20 कंप्यूटर हैं, मैं एक ही तार चलाऊं और वो सबसे कनेक्ट होते होते चला जाए, तो मुझे इतना बड़ा जाल बनाने की क्या जरूरत है कि हर एक से निकले धागा और सब में जाए। ठीक है, और यहाँ पे हो भी यही रहा है, जो जो दोस्त ने कहा कि इसमें जो मतलब यहाँ पे क्या है कि बीच में एक हब लगा हुआ है और उस हब से तारे निकल निकल के हर कंप्यूटर पे जा रही है ना, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें ना नेटवर्क की टोपोलॉजीज होती हैं, क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी इस तरह की होती है। तो ये बहुत बेसिक सी है, जो हम घरों पे भी आमतौर पे इसी तरह होता है। तो एक हब है जिससे निकल के तमाम कंप्यूटर्स में तार जा रही है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर विजन में देखोगे ना, तो ये पूरा पूरा कमरा जो है, यहाँ से एक तार निकल रही है और वो बाहर जा रही है केबल वाले के दफ्तर तक। अच्छा, और केबल वाले के दफ्तर से जहाँ जहाँ मेरी तार आ रही है ना, इसी तरह केबल वाले के दफ्तर से कई और जगहों पे निकल के जा रही है तार। तो अगर आप इसको ब्रॉडर व्यू में देखेंगे ना, तो ये अल्टीमेटली एक जाल की तरह बन जाता है, जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वन वे और अनदर। जैसे आप बता रहे हैं वो भी बात सही है, असल में तो हो वैसा ही रहा है, ये मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा था। तो वो एक जाल बन जाता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, जो अगर पूरी दुनिया में हम देखेंगे, सबमरीन केबल मैप लिखूंगा, तो ये कुछ हमें इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ये फिर मुल्क आपस में, ये कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं इन तारों के जरिए। ठीक है, ये समुंदर के अंदर ये तारें चल रही हैं। अब इसमें हम पाकिस्तान ढूंढते हैं किधर है। ठीक है, ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस जगह पर, तो आप देखें ये कितनी सारी तारें जो है ना निकल के ये आपस में एक दूसरे से जाके कनेक्ट हो रही हैं। तो अच्छा, ये अभी मुल्क के अंदर का नहीं है, ये हमारे पास दो, एक गवादर पे इंटर हो रहा है इंटरनेट हमारे पास, और यहाँ पे दो पॉइंट्स आते थे, पता नहीं दूसरा मिस हो गया शायद इसमें। एक इस जगह पे आता था गवादर में, और एक हमारे पास आता था कराची में, ये कराची वाला पॉइंट है। सही है, ये मे बी उन्होंने गवादर वाला बंद कर दिया या वो इसमें मिस है। तो मुल्क में एंटर होने के बाद क्या होता है, वो भी इससे ज़्यादा घना एक जाल है इंटरनेट की तारों का, जिसके ज़रिए ना पूरे मुल्क में इंटरनेट की सप्लाई हो रही है। ठीक है जी, तो वेब जो है, अच्छा वेब हमने डिस्कस किया था, दूसरा हमने डिस्कस किया था वेबसाइट। इस पूरे वेब में, इस पूरे जाल में हर एक नॉड जो है, या हर एक कंप्यूटर जो है, दैट इज अ वेबसाइट। ठीक है, लेकिन हर एक कंप्यूटर वेबसाइट नहीं होता। साइट, वैसे हम अंग्रेजी में साइट किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी जगह को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन साइट, कि जी जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, या साइट हम किसी भी लोकेशन को कहते हैं, फिजिकल लोकेशन को कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस वेब के अंदर भी जो लोकेशंस हैं, ठीक है, इस वेब के अंदर लोकेशन क्या है यार, इस वेब के अंदर हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, जाहिर है, जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर पाता है। तो इस वेब के अंदर कंप्यूटर का रोल होता है, एक होता है मेरे लैपटॉप जैसा कंप्यूटर, जो क्लाइंट होता है, जो किसी को जवाब नहीं देता, सही है, जो किसी से, किसी को बात करना अलाउ नहीं करता, लेकिन खुद सबसे बात करता है। और एक होता है सर्वर, कुछ कंप्यूटर्स का रोल होता है सर्वर, सही है। अब आप समझें कि ये जो पूरा जो जाल है, इस जाल के हर कोने पे एक मिठाई लगी हुई है, एक है गुलाब जामुन और एक है सफ़ेद वाली मिठाई। तो ये जो गुलाब जामुन है वो सर्वर है, और जो वाइट वाली है वो क्लाइंट है। ठीक है, तो दो रोल होते हैं कंप्यूटर के, आईपी सबकी होती है, एड्रेस सबका होता है,
तो जो कंप्यूटर होते हैं जिनका रोल होता है सर्वर, हम इंशाल्लाह यहाँ पे सर्वर बनाना भी सीखेंगे, और उससे हम तो अभी कोई भी कंप्यूटर ना अपना रोल खुद डिफाइन कर सकता है कि जी मैं सर्वर हूँ, और खुद अपना रोल बताता है कि नहीं जी मैं सर्वर नहीं हूँ। बाई डिफॉल्ट सर्वर नहीं होता, सर्वर का एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है, वो रन करो सर्वर बन जाता है कंप्यूटर आपका। तो जब वो सर्वर बन जाता है तो वो कंप्यूटर एक वेबसाइट होता है, एक लोकेशन होती है, एक इस जाल के अंदर एक लोकेशन होती है वो। तो ये कह रहे हैं कि जी लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ वेब। अब जब मैं खोलता हूँ ना google.com, तो एक साइट पे पहुंच जाता हूँ मैं, एक उस पूरे जाल के किसी एक लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ, वहां से मेरे पास वो google.com का पूरा पेज आता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वहां पे एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक दूसरी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, फिर वहां पे मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मैं फिर मूव करता हूँ। तो द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग या सर्फिंग, जिसको इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं या इंटरनेट ब्राउजिंग कहते हैं, ब्राउजिंग वैसे अंग्रेजी में किस चीज को कहते हैं, ब्राउजिंग अंग्रेजी में कहते हैं कि जी मैं अपना अलमारी मैंने खोली, अलमारी में खोल के मैं कुछ चीज ढूंढ रहा हूँ, कुछ निकाल रहा हूँ, उसमें से देख रहा हूँ, वापस रख रहा हूँ, ठीक है, या मैंने दराज खोला हुआ है, दराज में चीजें उलट पुलट करके मैं उसको देख रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ, या किसी मैं सुपर स्टोर में गया हुआ हूँ, वहां पे जाके जी हर शेल्फ में जाता हूँ मैं, उठा के देखता हूँ, चेक करता हूँ, वापस रख देता हूँ, उठा के मैं अपने कार्ट में डाल लेता हूँ। तो ये दिस प्रोसेस, या कोई बुक मैं पलट रहा हूँ ऐसे ही पेजेस देख रहा हूँ उसके, दैट इज कॉल्ड ब्राउजिंग। तो द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग जो है, इट केम फ्रॉम लिंक। के बुक में तो जी पन्ना पलटते हैं आप हाथ से, लेकिन इंटरनेट की साइट के ऊपर आप लिंक पे क्लिक करते हैं, एक साइट से दूसरी साइट पे जाने के लिए, या एक ही साइट के डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। facebook.com इज वन साइट, बट उसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, उसकी सेटिंग है उसके, जी आप अपने पेज पे जाते हैं, किसी दूसरे की प्रोफाइल पे जाते हैं, बहुत सारी है, अंदर ही उस एक साइट के ऊपर ही बहुत सारी अलग अलग अंदर जगहें हैं। तो वो द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग इज लिंक्स। तो इस वजह से इन्होंने ये बात की है कि जी लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब। अगर ये लिंक नहीं होता ना तो वेब ही नहीं होता। अगर लिंक से एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं होता तो जितनी मर्जी साइट हो हम जा ही नहीं सकते, जब तो मसला ही हल। तो वेब का इसलिए इसने जो है ना डिफाइनिंग फीचर रखा। अच्छा, वेब और इंटरनेट एक ही बात है मोर और लेस, बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। ये इन्होंने रीजन लिखा है कि क्यों ये डिफाइनिंग फीचर कह रहे हैं, इनेबलिंग द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग एंड सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग भी ब्राउजिंग के लिए, पुराने टाइम पे सर्फिंग का भी वर्ड इस्तेमाल किया करते थे, अब नहीं करते, अब सर्फिंग वाला वर्ड खत्म हो गया है मार्केट से, अब सिर्फ ब्राउजिंग यूज करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो राइटिंग लिंक्स, लिंक्स को लिखा कैसे जाए, लिंक्स बनेगा कैसे, HTML में लिंक का क्या कोड है, एंकर टैग इसको कहते हैं जी, हम ए इस ए लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ के लिए हम पी लिखते हैं, एंकर टैग के लिए हम ए लिखते हैं, ए ओपन हुआ है यहाँ पे इतने पार्ट, उसके बाद यहाँ लास्ट में ए क्लोज हुआ है, दैट्स इट। अच्छा, और बीच में कोई बात लिखी हुई है, इसका रिजल्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे इन्होंने दिखाया हुआ। अच्छा, इसको क्लिक करने से कौन सी साइट पे जाएगा, उसके लिए यहाँ पे href करके एक एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, जो भी बात यहाँ लिखी होगी उस वेबसाइट पे वो चला जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अभी हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, लिंकिंग टू अदर साइट, ये कोड पूरा इन्होंने लिख कर दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से कुछ दिखता है ये कोड। तो आ जाते हैं जी, इसको हम कोडिंग कर लेते हैं इसकी। लिंक्स, इसको भी मैं फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, मैंने कहा वन डॉट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, आपने लेकिन ये नहीं करना, आपने हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई रिपोजिटरी बनानी है, जैसे आपने अभी CV जो बनाया था वो एक रिपोजिटरी बनाई होगी उसके लिए, इसी तरीके से आप जब ये चार पेजेस वाली वेबसाइट, आपको मैं एज अ टास्क अभी दूंगा, तो वो जो आपने बनाना, या रेसिपी की वेबसाइट भी आपको मैंने दिया हुआ है एज अ टास्क, तो रेसिपी की वेबसाइट एक अलग रिपोजिटरी में बनाएंगे आप, ठीक है, और फिर ये चार पेजेस वाली वेबसाइट आप बनाएंगे ये अलग रिपोजिटरी में बनाएंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक एक रिपोजिटरी में तीन चार प्रोजेक्ट कर दिए, ये नहीं करना आपने। ठीक है जी, index.html इसमें मैंने बना दिया पेज, और बेसिक HTML यहाँ पे एक लिख दी मैंने, और बेसिक HTML लिखने के बाद मैंने कहा जी लिंक्स, लिंक टू अदर
वेबसाइट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ए लिखूंगा, ऊपर सजेशन आ गई, और ये टैब का या एंटर का बटन मैं दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि जी https://, मुझे चाहिए google.com, इस पे लेके जाना मुझे आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंकर टैग जहाँ पे ओपन हो रहा है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके दरमियान में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, गूगल लिख दूंगा, ठीक है। इसके दरमियान में जो भी लिखूंगा वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे उसको लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से ये पेज मेरे पास खुल गया। ये हेडिंग है जो ऊपर लगाई थी मैंने, और ये वो एंकर टैग यहाँ पे बना हुआ नजर आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे google.com पे लेके चला जाएगा, ठीक है। बैक करूंगा तो ये वापस लेके आ जाएगा फिर। अच्छा, ये तो हो गया लिंक टू अदर साइट। अब यहाँ बुक में इन्होंने मजीद बात की भी है कि जी सेम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए ना पहले तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे इसने ये बात की है, अ लार्जर वेबसाइट, इट इज गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज योर कोड बाय प्लेसिंग द पेजेस फॉर ईच डिफरेंट सेक्शन ऑफ द साइट इन टू अ न्यू फोल्डर। फोल्डर ऑन वेबसाइट आर समथिंग रेफर्ड टू एज डायरेक्टरीज। इसने कहा है कि अगर आपकी बड़ी वेबसाइट होती है ना, छोटी वेबसाइट में तो इतना इशू नहीं है, बड़ी वेबसाइट जब होती है तो आप क्या करेंगे कि जितने भी आपके फोल्डर्स होंगे, जाहिर है वो एक पेज तो नहीं है अब आपकी वेबसाइट में, एक नॉर्मल वेबसाइट में 15 के करीब पेज होते हैं, 15 से 20 के करीब, ठीक है। और जो बड़ी वेबसाइट होती है जैसा कि फेसबुक, उसमें और भी ज़्यादा पेजेस होते हैं, 100, 150, 200 तक पेजेस होते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जी आपकी जब बड़ी वेबसाइट होती है, लार्ज वेबसाइट होती है, तो इट इज़ गुड आइडिया कि आप शुरू से ही अपने फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, इन्होंने ये भी बात बताई है कि फोल्डर को ना वेबसाइट में जब आप बना रहे होते हैं फोल्डर, उसको हम डायरेक्टरीज कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा जी, यहाँ पे नीचे इन्होंने एक डायग्राम बनाकर दिखाई है, इस तरह का कुछ आपके फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा कि एक जाहिर है एक रूट पे एक फोल्डर का नाम होगा, उसके बाद एक इमेजेस का फोल्डर होगा, उसमें तमाम इमेजेस होंगी। अच्छा, इन्होंने एक मूवीज को लेकर एक वेबसाइट तैयार की है जिसमें म्यूजिक और थिएटर वगैरह भी हैं। तो इसने क्या किया, मूवी के तमाम पेजेस एक फोल्डर में, म्यूजिक के तमाम पेजेस एक फोल्डर में, और थिएटर के तमाम पेजेस एक फोल्डर में लगा दिए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसी की बात कर रहा है कि जी इन द डायग्राम ऑन राइट शोज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर अ फिक्शनल एंटरटेनमेंट लिसनिंग वेबसाइट कॉल्ड एग्जाम्पल आर्ट। एग्जाम्पल आर्ट के नाम से इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि क्या है, एक फिक्शनल है, जो रियल वेबसाइट नहीं है कोई, फिक्शनल एंटरटेनमेंट लिस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है जी। एट द टॉप लेवल इज नोन एज द रूट फोल्डर। कह रहा है कि जो टॉप लेवल है बिल्कुल, उसको हम रूट फोल्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे केस में जो रूट फोल्डर है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारी रिपोजिटरी होती है, ठीक है। जो अब जब हमने गिटहब पढ़ा था उस वक्त हमने ये बात डिस्कस की थी, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना इसको गिटहब में अब इशू हो, कोई गिट वगैरह में इशू तो नहीं है किसी को, सब लोगों ने रिपोजिटरीज अकाउंट बना लिया गिटहब में, ठीक है। तो अगर किसी को भी गिट में या गिटहब में कोई इशू हो, तो वो फौरी तौर पे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें वेल, क्योंकि अब बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे हम उसको यूज ना कर रहे हो, ठीक है। हर एक पॉइंट पे हम गिट और गिटहब को इस्तेमाल कर रहे होंगे कंटिन्यूसली। तो हमारा जो रूट लेवल होता है वो क्या होता है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे रूट डायरेक्टरी इस वक्त है ASF सेक्शन है, ये रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर दो मजीद डायरेक्टरीज मैंने बनाई हुई है। तो जो भी टॉप लेवल की डायरेक्टरी होती है उसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। अच्छा, अब ये रिलेशन की बात कर रहा है कि जी रिलेशन क्या होता है, कि एक तो टॉप लेवल की डायरेक्टरी होगी जिसको हमने कह दिया रूट, उसका जो चाइल्ड होगा, मिसाल के तौर पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो मेरे पास जो रूट है ये वाला, इसके कितने चाइल्ड हैं, नंबर एक चाइल्ड ये रहा, नंबर दो और नंबर तीन, ये तीन इसके चाइल्ड है। अच्छा, ये सैनमा रूट का चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। ये मूवी का चाइल्ड है, ये मूवी के दो चाइल्ड हैं, सैनमा और DVD, ठीक है। इसी तरह म्यूजिक का मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, एज अ फोल्डर कोई चाइल्ड नहीं है इसका। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बात जिक्र की हुई कि जी अच्छा ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। आप देखें ये डायरेक्ट चाइल्ड है, म्यूजिक थिएटर और इमेजेस और ये मूवीज, ये टोटल चार इसके चाइल्ड हैं पेरेंट के।
अच्छा, अब आप ये देखें कि डीवीडी जो है वो क्या है, इस रूट का ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि चाइल्ड का चाइल्ड। और अगर इस डीवीडी के परस्पेक्टिव से हम देखें तो ये रूट इसका क्या है, ये ग्रैंड पेरेंट है। डायरेक्ट पेरेंट के बाद जो होगा उसको हम ग्रैंड पेरेंट कहेंगे। अच्छा, तो अब ये इसने क्यों बात बताई है, ये इसने बात इसलिए बताई है कि यहाँ पे ना हम एक चीज, यहाँ पे इसने वो रिलेटिव यूआरएल का जिक्र नहीं किया है। वेल, अभी वो मेरे ख्याल है अगले पेज पे करेगा ये जिक्र। हाँ, ये रहा रिलेटिव यूआरएल। तो जब हम एक से ज्यादा पेजेस की वेबसाइट बनाते हैं तो उन पे मूव करने के लिए हमें रिलेटिव यूआरएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्होंने यहाँ लिखा है कि रिलेटिव यूआरएल कैन बी यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू पेज विद इन द सेम वेबसाइट। दे प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ टेलिंग द ब्राउजर वेयर टू फाइंड योर फाइल। अब मिसाल के तौर पर मैंने होम पे जाना है या मैंने गैलरी के पेज पे जाना है, तो मैं गैलरी पे जब क्लिक करता हूँ तो मैं उस पर एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं लगाऊंगा। ये वाला जो यूआरएल लगा हुआ है, दिस यूआरएल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब है कि कंप्लीट यूआरएल है, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, रिलेटिव यूआरएल क्या होता है कि जी मैं एक जगह पे ऑलरेडी खड़ा हुआ हूँ, अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है वो मैंने उसको बताना होता है। ठीक है, तो अब रिलेटिव यूआरएल को पास करने के लिए क्या करना होता है मुझे, कि अगर तो मैं सेम फोल्डर पे हूं तो मैं जस्ट नाम लिखूंगा उसका, फाइल का अपने। अगर मैं चाइल्ड फोल्डर में जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं म्यूजिक स्लैश फाइल का नाम लिखूंगा, यानी फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में जाना है, और स्लैश ऐसे करके। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड में अगर जाना होगा तो मैं ऐसे करके लिखूंगा कि जी मूवी स्लैश डीवीडी स्लैश फाइल का नाम। ये एक फोल्डर है, ये एक दूसरा फोल्डर है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर अंदर है। ठीक है, तो मूवीज में जाओ, फिर मूवी के अंदर मौजूद फोल्डर डीवीडी में जाओ, और डीवीडी के फोल्डर में मौजूद रिव्यू डॉट एच टी एम एल की फाइल है उस पर मूव कर दो। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे, मैं ऑलरेडी चाइल्ड पे खड़ा हुआ और मुझे पेरेंट वाले पेज पे जाना है, ऐसे एक ऐसी फाइल पे मूव करना है जो मेरे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर खड़ी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो दफा डॉट लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखें, दो दफा डॉट। दो दफा डॉट लगाने का मतलब है कि जहां पे मैं खड़ा हुआ उससे वन लेवल बाहर उससे आना है मैंने। ठीक है जी, और अगर मुझे कहाँ जाना है, ग्रैंड पेरेंट पे जाना है, जहां मैं खड़ा हुआ उसके पेरेंट के भी पेरेंट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वन लेवल अप वाला जो है ना काम, ये मैं दो दफा करूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं दो दफा करूं, अगर मुझे मजीद पीछे जाना है तो मैं तीन दफा भी कर सकता हूँ, चार दफा भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दो दफा करके एक एग्जाम्पल सेट की हुई है। तो अब ये हमने स्टडी कर लिया इतना, तो हम क्या करते हैं, एक जी नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट और प्रीवियस, ये तो ब्राउजर के अंदर जो बटन होता है उसकी बात कर रहे हैं आप, ये वाले बटन की बात कर रहे हैं। पेज हाँ, वो असल में वो लिंक, अभी पहले तो वो चार पेजेस वाला लिंक समझेंगे ना हम तो समझ आ जाएगा। असल में एक तो देखें, ये जो बैक का बटन है ना, ये वाला, ये बैक का बटन तो उस सीक्वेंस में आपको आगे पीछे ले जा रहा होता है जिस सीक्वेंस में आप आए हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे नेविगेशन बार में जो चार बटन आ रहा होता है ना, वो उस तरह से काम नहीं करता। एक स्टेप पीछे, ये वाला पीछे नहीं लेके जाओ, क्योंकि बैक दबाने से जो पहले जिस पेज पे थे वहां लेके जाएगा, भले वो कहीं भी, जो फोल्डर वाइज पीछे लेके जाएगा। अब जो एक विजिटर होता है ना वेबसाइट का, उसको नहीं पता होता है कि जी ये होम का पेज किधर पड़ा हुआ है अंदर, वो एज अ डेवलपर हमें ही पता होगा, मेरे यूजर को वो बात नहीं दिखेगी कि ये पीछे जा रहा है कि ये आगे जा रहा है, समझ रहे हैं आप बात। तो वो जस्ट मुझे दिखेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर है एज अ डेवलपर, वो एक्चुअल यूजर का उससे कोई काम नहीं है। अच्छा, एक्चुअल यूजर को अगर मुझे ये वाली चीज बनाकर देनी है ना, तो ये भी मैं एचटीएमएल के जरिए बना सकता हूँ, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट, कि अभी हम ये नहीं बना रहे। अभी हम क्या बना रहे हैं कि बटन पे क्लिक करें और एक सर्टन पेज पे वो चला जाए। ठीक है, बना हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, तो मेरे पास एक पेज ऑलरेडी मौजूद है, इसको मैं कह देता हूँ कि जी आप होम पेज हो, सही है, इसको मैं कह देता हूँ कि जी आप होम पेज हो। ठीक है, होम पेज, और मैं आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये होम पेज बन गया मेरा। इसको मैं H2 कर देता हूँ, H3 कर देता हूँ बल्कि। ठीक है जी, तो ये मेरा होम पेज तैयार हो गया बन के। अब मुझे इसमें मज़ीद ना तीन पेजेस बनाने हैं, तो
सही है जी। तो मैंने इसमें मजीद 3 पेजेस बना दिए हैं। एक में मैं लिख देता हूँ कि जी अबाउट डॉट एच टी एम एल, एक में मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, और एक में मैं कह देता हूँ गैलरी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो टोटल ये 4 पेजेस मेरे पास बन गए। नहीं अभी तो कुछ, अभी तो 4 पेजेस बना रहा हूँ सर, अभी लिंक नहीं मैंने किया। गैलरी में जाके ना मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके ना सारी चीज़ों को, और मैं एक बेसिक एच टी एम एल दोबारा लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे एच वन करके मैं जस्ट ये लिख देता हूँ गैलरी पेज। ठीक है, अब ये गैलरी पेज में क्या होगा कि जी नीचे कुछ इमेजेस होंगी ऑब्वियसली, गैलरी में हम फोटोज दिखा रहे होते हैं कि जी, जैसे किसी भी अदारे का एक गैलरी पेज हो सकता है, किसी मिठाई की दुकान की वेबसाइट है अगर, तो उसमें गैलरी में क्या होगा कि जी वो दुकान की कुछ फोटोज होंगी, कुछ मिठाइयों की फोटोज होंगी, क्या बेचते हैं हम। रेस्टोरेंट में क्या होगा कि वो जो डिशेज की फोटो लगाई हुई होगी उन्होंने, तो यहाँ पे कुछ फोटोज होंगी। फिलहाल वो हम नहीं लगा रहे हैं, फिलहाल हम क्या कर देते हैं यहाँ पे जस्ट एक एक पैराग्राफ यहाँ पे लाके हम लगा देते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी, एक पैराग्राफ मैंने लगा दिया। अच्छा, इस गैलरी के पेज को मैं कॉपी पाथ करता हूँ, और कॉपी पाथ करके मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो जी गैलरी का पेज कुछ इस तरह से मुझे दिखना शुरू हो गया है यहाँ। उसके बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, तो कॉन्टैक्ट के पेज पे जाके भी मैं रिमूव करता हूँ तमाम चीज़ों को, बेसिक एच टी एम एल लिखता हूँ एक अदद, और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ कि जी कॉन्टैक्ट पेज, राइट, कॉन्टैक्ट पेज है। यहाँ पे नीचे मैं फोन नंबर वगैरह लिखूंगा। ठीक है, फोन नंबर अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया। अबाउट में चला जाता हूँ मैं, और वहां जाके भी मैं तमाम का तमाम डेटा रिमूव करता हूँ। इसमें कहता हूँ जी मैं कि ये अबाउट पेज। ठीक है जी, तो ये 4 पेजेस मैंने बना दिए हैं पूरे के पूरे। अब मैंने क्या करना है, मैं ऑब्वियसली पहले जब बंदा पहुंचेगा तो वो होम पेज पे पहुंचेगा। ठीक है, इंडेक्स नाम जो फाइल होती है, हमने ये शुरू से देखा है कि इंडेक्स नाम की फाइल को ही वो ओपन करता है, बाकी फाइल डायरेक्ट ओपन नहीं होती है। अब यहाँ पे खड़े होके ना मैंने मूव करना है, गैलरी के पेज पे मैंने जाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नीचे एक एंकर टैग लगा दूंगा, और मैं इसके अंदर बात लिखता हूँ कि जी गो टू गैलरी पेज, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लगाना है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल में अगर सेम फोल्डर पे होता है तो मैं क्या करता हूँ उसका जस्ट नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं गैलरी डॉट एच टी एम एल लिख दूंगा ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, बट ये रेकमेंडेड है, बुक में जिक्र नहीं है इस बात का, रेकमेंडेड है कि डॉट स्लैश आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, डॉट स्लैश, एक तो डबल डॉट स्लैश है जिससे ये 1 स्टेप पीछे चला जाता है। डॉट स्लैश का मतलब होता है इस फोल्डर में, ठीक है, लिनक्स के अंदर इसका एक मतलब होता है डॉट स्लैश का, तो आप कोशिश करें कि इसमें डॉट स्लैश का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, खास तौर पे जब आप जी एच पेजेस पे आप करेंगे ना, तो इसको ना लगाएं अगर आप, तो एक एरर आता है उसकी वजह से। ठीक है, अगर आपने ये डॉट स्लैश नहीं लगाया ना, तो जी एच पेजेस पे जब आप इसकी होस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा एरर आता है, और हाँ जो गिटहब में हम होस्टिंग करते हैं, गिटहब में होस्टिंग की है आपने? नहीं की? बाकी लोगों ने की है गिटहब में होस्टिंग? अच्छा, तो भाई इनको बता देना, क्लास के सी आर इनको बता देना। सही है, और किसको आती है? तुम्हें आती है? तुम दूसरे वाले भाई को तुम बता देना, वेबसाइट जो लाइव करते हैं। अच्छा, वो आता है, सही। अच्छा जी, तो ये गो टू गैलरी जब मैं क्लिक करूंगा तो हमें मेरे पेज को मूव कहाँ कर जाना चाहिए? गैलरी डॉट एच टी एम एल के ऊपर मूव कर जाना चाहिए मेरे पेज को। ठीक है, तो करके देखते हैं जी अब कि होता है कि नहीं होता। कॉपी पास्ट किया मैंने, और ये मैं आ गया जी मेरे होम पेज के ऊपर, और होम पेज पे एक तो गूगल लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ज़रा लाइन चेंज कर देता हूँ मैं, वो एक साथ ही दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है वो। ठीक है जी, गो टू गैलरी पेज का पे जब मैं बटन क्लिक करता हूँ तो ये गैलरी के पेज पे मूव हो गया। ठीक है, अच्छा, ये गैलरी के पेज पे मूव हो गया और ठीक हो गया ये। अब मगर प्रॉब्लम ये कि अब यहाँ से मैंने अगर बैक करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मे बी मैं बैक का बटन दबा दूँ यहाँ पर। ठीक है जी, तो बैक का बटन मैंने दबा दिया। अब मैंने गैलरी के अलावा भी जो पेजेस है मेरे पास 3 और, उन पे भी मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से होम से, तो मैं क्या करता हूँ कि जी ये 4 बना देता हूँ। ठीक है, तो और कौन सा पेज है मेरे पास? कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट हो गया जी, और अबाउट है मेरे पास। ठीक है जी, ये मेरे पास 3 आ गए।
गो टू गैलरी, गो टू कॉन्टैक्ट पेज और गो टू, अच्छा ये गो टू 3 दफ़ा ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम इस गो टू को हटा देते हैं। सही है, ठीक है जी। तो ये 3 आ गए मेरे पास, गैलरी पेज, कॉन्टैक्ट पेज और अबाउट पेज। अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ, बैक करता हूँ मैं, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे चला जाता हूँ। अच्छा बट मेरे पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि मैं अबाउट से मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जा सकूँ, ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। अबाउट से मतलब अगर मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे अबाउट पे जाना है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक दफ़ा बैक करूँ और फिर अबाउट पे आके क्लिक करूँ, ठीक है। या अब मैं अबाउट से अगर होम पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं बैक करूँगा तो मैं होम पेज पे तो आ जाऊँगा, लेकिन मिसाल के तौर पे होम पेज पे वापस मुझे आना पड़ रहा है। इसका हल ये है कि यार ये वाला मैं पूरा का पूरा ऑप्शन हर पेज पे लगा दूं, ठीक है। अच्छा इससे ये पेज पेज भी हटा देते हैं, 3 दफ़ा पेज लिखा हुआ ये भी बुरा लग रहा है ना। ये हो गया गैलरी कॉन्टेक्ट अबाउट, सिंपल सा हो गया। अच्छा तो ये मैं क्या करता हूँ, ये तीनों लाइन उठा के, अच्छा इसको लाइन को हमेशा टॉप पे होना चाहिए, नेविगेशन बार है हमेशा सबसे टॉप पे होता है नेविगेशन बार, ठीक है जी। अच्छा इसको मैं जाके गैलरी पे भी लगा देता हूँ और मैं इसको कॉन्टैक्ट पे भी लगा देता हूँ, अबाउट पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो इस वक्त मैं होम पेज पे खड़ा हुआ और मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अबाउट का ऑप्शन आ रहा है। अब अबाउट पे जब मैं जाता हूँ तो यहीं पे मेरे पास कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ और गैलरी का भी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अब मैं गैलरी से होम पे कैसे जाऊंगा, मैं होम का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, गैलरी वाले पेज पे मुझे होम भी चाहिए, तो मैं जाता हूँ जी गैलरी वाले पेज पे और मैं जाके क्या लगा देता हूँ। अब होम पे जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये बात मैंने यहाँ पे तो लिख दी, ठीक है। गैलरी पे मैं गया, ओए यहाँ पे होम नहीं मैंने लिखा, ठीक है जी होम आ गया यहाँ पे। अब जब मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी होम नहीं है, मुझे यहाँ भी होम चाहिए, तो कॉन्टैक्ट पे भी जाके मैं क्या करूँगा, ये होम वाली बात लिख दूंगा। हाँ यहाँ पे भी होम आ गया, अबाउट पे भी होम चाहिए मुझे, अबाउट पे भी जाके मैं होम लगा देता हूँ, ठीक है। अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी और होम इटसेल्फ। अच्छा होम इटसेल्फ के ऊपर वो होम का बटन नहीं आ रहा, मुझे रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट रिक्वायर्ड तो मुझे अबाउट के पेज पे अबाउट का भी बटन नहीं है, ठीक है। अबाउट के पेज पे अबाउट का बटन तो नहीं चाहिए मुझे, इस पर दबाऊंगा तो अबाउट पे ही रहेगा, ये कहीं जा तो नहीं रहा, बट मुझे होम के बटन पे भी, होम के पेज पे भी होम का बटन चाहिए। उसका रीज़न क्या है, ताकि मेरा जो वेब पेज है ये मूव ना करे, मेरा जो नेविगेशन बार है ये हिले नहीं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। देखें अभी ना मेरा पूरा का पूरा नेविगेशन बार मूव करता है, हिलता है, हालांकि जब गैलरी से मैं कॉन्टैक्ट पे आता हूँ ना फिर नहीं मूव करता मेरा, वो पेज का जूम लेवल मेरा चेंज हुआ हुआ है, लेकिन अगर मैं जूम लेवल को सेम कर दूँ, ठीक है, अभी देखें मेरा नेविगेशन बार नहीं मूव करता इन तीनों पे जब मैं आगे पीछे जाता हूँ तो, लेकिन जब मैं होम पे जाता हूँ ना ये मूव कर जाता है। मैं जूम लेवल यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ तो जूम लेवल अभी सेम है, लेकिन देखें अब पूरा नेविगेशन बार भाग रहा है इधर से उधर, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं होम पे भी आके ये वाली बात लगा दूंगा। जैसे ही मैं लगाता हूँ तो अब ये वाला मसला मेरा हल हो गया, ठीक है। नेविगेशन बार कभी भी आपका मूव नहीं करना चाहिए, नेविगेशन बार फिक्स रहना चाहिए, ताकि ये यूज़र एक्सपीरियंस से ताल्लुक है इस चीज़ का, ठीक है। एक्सपीरियंस ख़राब होता है बंदे का अगर नेविगेशन बार चेंज होता रहे तो। अच्छा ये हो गई जी बात, हमारे पास नेविगेशन बार बन के आ गया। नेविगेशन बार से मुतल्लिक एक बात अब और आपको बताता चलूँ कि नेविगेशन बार हमेशा किस में होगा, यूएल के टैग में होगा, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो सिमेंटिक वैल्यू है इसकी, एक सिमेंटिक वैल्यू ये है इसकी। सबसे पहले तो एक होगा हमारे पास नेव, ठीक है, नेव के अंदर एक होगा यूएल और यूएल के अंदर होगा एलआई और एलआई के अंदर ये आइटम होगा आपका, राइट एल आई के अंदर ये आइटम होगा। फिर इसी तरह आपके 3 4 जो जितने भी हैं वो एल आईज होंगे उतने,
है जी। और इसी तरीके से ये लास्ट वाला भी ये मैंने इधर कर दिया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा टोटल पूरा। अच्छा, ये नैव मैंने क्यों लगाया है, ये HTML का जो लास्ट चैप्टर है ना, वहाँ पे इसका जिक्र है कि जो HTML5 में एडिशनल टैग्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये नैव जो है ये एक सिमेंटिक टैग है, इसका स्क्रीन पे कोई रिजल्ट नहीं आपको दिखेगा, लेकिन इसका एक सिमेंटिक वैल्यू है कि जब भी कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो नेविगेशन बार को वो नैव करके तलाश करने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी वाले क्रॉलर वैसे तो इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप ये नैव ना भी लगाएं तो उनको पता चल जाता है, लेकिन HTML5 का स्टैंडर्ड है ये, हम इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर UL जो है, UL हमने इसलिए लगाया है कि हमारा नेविगेशन बार जो है ना एक लिस्ट होता है, हमेशा 4 5 6 आइटम्स का एक लिस्ट होता है। ठीक है, और उसके अंदर LI करके, यानी एक बटन को मैंने एक लिस्ट आइटम इसके अंदर कंसिडर किया है। अच्छा, जैसे ही मैं ये वाला काम करूंगा ना, तो आप होगा क्या कि ये मेरा जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट की तरह दिखने लग जाएगा, ये कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा। ठीक है, वेल, इसको हम CSS पे जब जाएंगे, CSS पे जब हम पहुंचेंगे, तो इसको कैसे सीधा करना है, कैसे राइट पे या लेफ्ट पे स्क्रीन के इसको लेके जाना है, ये हम CSS में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये इसका एंड रिजल्ट यही है। अच्छा, तो इस नेविगेशन बार को मैं कॉपी करूंगा और ये तमाम पेजेस पे मैं इसको ही पेस्ट कर दूंगा। यार अपने फोन साइलेंट कर दिया करो यार तुम लोग। ठीक है जी, तो ये हमारा जो एंड रिजल्ट है ये कुछ इस तरह का है। ये जी हमारी 4 पेज की वेबसाइट हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वेबसाइट आप भी बना लें, और इसमें स्पेसिफिक आपने ये करना है अभी, बल्कि हम आगे थोड़ा सा एक और भी दो चीजें पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अपने नियरेस्ट जो भी बिजनेसेस आपके चल रहे हैं उसमें से कोई भी एक बिजनेस चूज करना है, और उस बिजनेस की एक रियल वेबसाइट आपने बनानी है। ठीक है, कोई भी मोहल्ले में दही की दुकान है, नाई की दुकान है ना, सब्जी की दुकान है, कोई भी, कोई इंटरनेट केबल वाले की दुकान है, कोई क्लिनिक है डॉक्टर का, तो वो आपने एज अ सब्जेक्ट उसको उठाना है और उसकी आपने वेबसाइट तैयार करनी है, उसमें रिलेटेड इमेजेस लगानी है आपने। और अगर जिसको इमेज आती है, नहीं आती तो दैट्स इट, जितना पढ़ लिया उतना करो, और उनका वो तमाम फ़ोन नंबर वगैरह और वो सारा जो अबाउट में लिखने की चीज़ें हैं, होम पे लिखने की चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर डॉक्टर की वेबसाइट है तो उस डॉक्टर की अगर फोटो वोटो लगा के नाम लिख के, एजुकेशन उसकी है, उसके टाइमिंग्स वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें बना के आपने। अच्छा, तो ईमेल लिंक का यहाँ पे अब जिक्र आ गया, इसमें ईमेल लिंक का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहेगा। तो ईमेल लिंक ना, मैं ज़रा जाऊँ अबाउट के अंदर, और अबाउट के पेज के ऊपर ना मैं जाके लिख देता हूँ कि जी आवर ईमेल, और ये मैंने ईमेल लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने ईमेल यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगर हम वैसे ओपन करके देखेंगे ना, मैंने इसको कहा कॉपी पाथ, बल्कि ये खुला भाई है, अबाउट पे मैं गया और आवर ईमेल लिख के मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो होपफुली मेरे पास क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर जो कि बिल्ट इन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल था, उसने खुलने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उसको कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो वो इस वजह से क्या हुआ, वो ओपन नहीं हो पाया, वो सेटअप वाले मोड में खुला था, फिर मैंने बंद कर दिया उसको। ठीक है, अच्छा, ईमेल लिखते हुए ना यहाँ पे इसने ईमेल जॉन लिखा है, लेकिन आमतौर पर हम ना क्या करते हैं कि हम मुझे कोड यहाँ चाहिए, बुक यहाँ चाहिए, हम ना ईमेल ही पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हर केस में ना वो चीज़ काम नहीं कर रही होती, हर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं होता। तो ये दरमियान वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर मैंने वो पूरा का पूरा ईमेल लिख दिया है कि अगर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं भी इंस्टॉल हो ना, उसको पूरी ईमेल दिख रही हो ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरीके से ना व्हाट्सएप का भी केस है कि जी व्हाट्सएप अस, और व्हाट्सएप अस करके मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसका क्या तरीका है, https://wa.me और स्लैश करके +923, इंटरनेशनल फॉर्मेट में जो भी नंबर है वो आपने नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका ना व्हाट्सएप लिंक तैयार हो गया। दैट्स इट, ये बहुत सिंपल सा है, wa.me इसका नाम है। अगर आप वैसे भी यहाँ पे लिखेंगे कि जी क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, तो ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा गूगल पे।
ये रहा व्हाट्सएप की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी भी है कि जी आपने क्या करना है https://wa.me और स्लैश आपका उसके बाद नंबर होगा। अच्छा नंबर में क्या काम नहीं करना है और क्या काम करना है वो इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा है कि जी डैश नहीं लगाना आपने और प्लस भी नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन मैंने नोट किया है कि सम टाइम प्लस ना लगाओ तो वो मसला भी करता है। सही है, यहाँ पे डू एंड डू नॉट्स वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आपको बटन चाहिए तो इमेज की सूरत में ये बटन भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वाइट बैकग्राउंड के लिए और जो है ना ये ब्लैक बैकग्राउंड के लिए, दोनों के लिए इन्होंने बटन यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इस बटन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लें एज अ इमेज। डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे और यहाँ पे आके आप कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे तो ये सेव होने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिलहाल मुझे इसको सेव नहीं करना। तो इस बटन के क्लिक पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये बटन भी इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। HTML का कोड भी इन्होंने कुछ बना के रखा हुआ है पहले से कि जी आप ये एंकर टैग ही है, दैट्स इट। कोई इतना वो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये एंकर टैग अभी हमने पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये एंकर टैग यहाँ से ओपन हुआ है, इसमें HREF में इन्होंने यही वाला लिंक पूरा लगाया हुआ है। तो आ जाएं हम लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। एंकर टैग है HREF में, ये मैंने अपने अपना पर्सनल नंबर लगा दिया। और यहाँ पे दरमियान में मैं क्या लिखूंगा, मैसेज मी लिखूंगा तो ये मैसेज मी बना हुआ आ जाएगा। ये मैंने किसमें अबाउट में लिख दिया है, हाँ अबाउट में लिख दिया है। वेल तो ये मेरे पास ना मैसेज मी लिखा हुआ आ गया, बट मैंने क्या करना है, अगेन मैसेज मी नहीं लिखना है यहाँ पे, मैंने पूरा फोन नंबर लिखना है ताकि अगर किसी के पास ये लिंक क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है अगर, ठीक है, ये मेरे पास तो क्लिक करने पे चल गया ये, लेकिन मे भी अगर किसी के पास ये क्लिक करने से काम नहीं करता या उसको किसी दूसरी डिवाइस से नंबर यानी अपने कंप्यूटर से देख के फ़ोन पे उसको सेव करना है और फिर इस्तेमाल करना है तो वो उसको नज़र ही नहीं आएगा नंबर, राइट। तो इस तरह से नंबर मुझे छुप गया मेरा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले तो उसको अलग अलग लाइनों में करने के लिए मैं BR लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एक ऐसे फॉर्मेट में ना जो कॉमन फॉर्मेट है जो चलता है इस लोकेशन पे, वो वाला फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हमारे यहाँ आमतौर पे इस तरह से लिखा जाता है नंबर को, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने ये यहाँ पे बात लिख दी ताकि यहाँ पे क्लिक करने से भी खुल जाए और उसको कोई देख के अगर लिखना चाहे या देख के कॉल करना चाहे तो वो भी कर ले, ठीक है जी। तो ये हमने क्या कर लिया, ईमेल लिंक और साथ साथ हमने व्हाट्सएप लिंक भी देख लिया। अच्छा, अगर आपने कोई भी लिंक अगर नए विंडो में खोलना है, अभी तो क्या होता है ना कि जी उसी विंडो में खुल जाता है, लेकिन व्हाट्सएप का लिंक मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूंगा कि नई विंडो में खुले, है ना। तो मैं लगाऊंगा उसमें टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक, ठीक है। अभी तो ये व्हाट्सएप का लिंक क्या होता है, जब मैं क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर तो क्या होता है, ये मेरी वेबसाइट को छोड़ देता है और उसी की जगह दूसरी खुल जाती है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नए पेज में ये खुले। तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, एट्रीब्यूट एक पास करूंगा टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो क्या होगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब ये नए टैब में खुलेगा, मेरे वेबसाइट को इसने नहीं छेड़ा, मैं इसको बंद करूंगा, मेरी वेबसाइट अपनी जगह पर है, ठीक है। आ जाते हैं जी बुक में और क्या बात लिखी हुई है, बस यहाँ पे ये बुक का चैप्टर खत्म है। अच्छा, सेम पेज पे भी हो सकता है, सेम पेज का चक्कर क्या है भाई, पहले तो सेम पेज के लिए ना मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना कॉन्टेंट चाहिए कि वो, क्योंकि मेरे पास अभी इतना कंटेंट किसी भी पेज पे नहीं है कि वो इतना ज़्यादा डेटा हो ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना ये इतने सारे पैराग्राफ्स उठा लेता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ बस इतना, ठीक है। और इसको मुझे HTML में कन्वर्ट करना है तो मैं कहता हूँ कि जी ChatGPT को बोलता हूँ जाके के कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू HTML कोड, ठीक है, फॉलोइंग बल्कि इन दिस टेक्स्ट नहीं फॉलोइंग टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पूरा जो मैंने कॉपी किया है ना वो पूरा पेस्ट कर देता हूँ। क्या हुआ इसको,
अच्छा वो 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा मैंने कर दिया शायद इसको। एक मिनट, कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं ज़रा। 17,000 कैरेक्टर कर दिए मैंने, ठीक है 7,000। अब ये पकड़ लेगा, अब इसको मसला नहीं है, ठीक है 8,000 तक है, जो जो पुराना वाला चैट जीपीटी है उसका 8,000 कैरेक्टर तक है। तो मैं इसको जाके मज़ीद एडिट करता हूँ, एडिट करके मैं ये, मैंने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया थोड़ा। अरे यार ये तो थोड़ा थोड़ा करके लिखेगा। आर्ट से भी करवाते हैं ना ये काम। सेम काम थोड़ी करनी हो तो इसमें बस, ये इसी इसी हद तक ही है जो मैं करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता ये, अभी नहीं करता एटलीस्ट। और अगेन अगर वो अगर कर भी लेता है ना इससे ज्यादा, तो वो अभी देखो जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है ना, म्यूजिक डायरेक्टर वो तो आप ही रहेंगे ना, है ना। गिटार किसी को आता है बजाना यहाँ पे? बड़ा मुश्किल होता है गिटार बजाना, है ना। तो वो आप एक दफा शौक चढ़ा था मैंने देखा यूट्यूब पे कि कैसे बजाते हैं, तो वो ए बी सी डी उसके तारों के नाम होते हैं, फिर वो ऊपर पकड़ना होता है, फिर उसको वो फिंगर्स हैं, बड़ा बड़ा टेक्निकल काम है। तो ऐसे तो अच्छा लगता है बड़ा ना, टंग टंग बज रहा है, बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो गिटार बजाने वाला ना आपको 50,000 में बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत अच्छा गिटार बजाने वाला। लेकिन उस गिटार पे बजाना क्या है, उसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर लेता है 10 लाख, ठीक है, कि उस पे बजाना क्या है। तो ये चैट जीपीटी इज अ गिटारिस्ट, गिटार बजाना आता है उसको, बहुत अच्छा आता है, लेकिन बजाना क्या है अब, है ना, इस गिटार पे बजाना क्या है। तो उसके लिए जो है ना आपको एक म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए स्टिल। अच्छा पहले जाहिर है गिटार बजाने वाले चाहिए होते थे तो बहुत सारे चाहिए होते थे, ये इसके आने के बाद ना आपको चाहिए सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो चाहिए होंगे कम, ठीक है। तो जाहिर है डाउन साइजिंग तो होगी, जो डेवलपर्स के मजे लगे हुए थे ना, जो दिन में 4 लाइन का कोड लिखते थे फिर टाइम पास करते थे, तो वो उनकी छुट्टी, मजे लगे हुए थे इनके। और ये होता है हर फील्ड में होता है, जब नई नई आती है लोगों को पता नहीं होता तो वो बस मजे कर रहे होते हैं फिर लोग, और क्योंकि है भी मुश्किल, लोग नहीं है इसके अंदर, लोग कम है। तो अभी देखो वो ट्विटर जैसे इसने लिया ना, इलॉन मस्क ने ट्विटर जब खरीदा है तो 80% एम्प्लॉय उसके फारिग कर दिया उसके। वो क्यों किए, पिछली हिस्ट्री चेक की कि किसने कितना कोड लिखा था, लोग कोड लिखते ही नहीं थे, काम ही नहीं करते थे लोग, तो उसने सारी कार्ड चार्ट करके बराबर कर दी टीम। अब 20% लोग हैं और वही सारा काम हो रहा है जो पहले होता था, ठीक है। चैट जीपीटी इटसेल्फ इनकी जो टीम है, ये भी मेरे ख्याल है 100-150 लोगों की टीम है, इससे ज्यादा की नहीं है। पूरी दुनिया पे अभी ये इसका हंगामा हो गया, ये चैट इसकी 150-200 लोगों की टीम है, ज्यादा नहीं है, छोटी टीम है इनकी। तो कोई इतना बड़ा, अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, बैक का बटन दबा दिया गलती से। अबे ज्वाइन वेट लिस्ट, ये तो पब्लिक नहीं हुआ अभी तक ये। भाई ये क्या कर दिया इसने, इसने तो सीधा ही मना कर दिया। चलो एक काम करते हैं, वैसे ही पेस्ट मार देते हैं इस पे आगे। अच्छा वेल हाथ से करते हैं यार, बस उसने तो ऐसा कर दिया ना फिर अभी। सही है, 5-6 एडिंग बना लेते हैं, बहुत ज्यादा एडिंग की हमें जरूरत नहीं है। सही है, H2 मैंने एक और बना लिया है यहाँ पे। अच्छा ये जो नीचे बचे हैं इनको मैं पैराग्राफ कर देता हूँ ताकि ये भी पागल ना हो जाए बिल्कुल ही ना। ठीक है जी।
बस इतना मुझे करना है कि वो थोड़ा एक पेज की लेंथ से आगे बढ़ जाए। ठीक है, काफी है इतना। अब देखते हैं जरा कि इधर क्या हुआ। सही है जी। तो ये मेरे एक पेज की लेंथ से ना आगे बढ़ चुका है इस वक्त, राइट नाउ। अब वो बात ये था, पॉइंट ये था जो हमने पढ़ना था कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज, किसी पेज के स्पेसिफिक पार्ट पे मूव करने के लिए जो लिंक होता है ना वो हमें चाहिए अगर, तो वो कौन सा वाला लिंक होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे जहां पे मूव करके मुझे जाना है वहां पे पहले तो मुझे देनी पड़ती आईडी। सही है, मिसाल के तौर पे ये जो विंडो विस्टा है ना, इसको मैंने आईडी दे दी विस्टा। ठीक है, अच्छा आईडी जो वो यूनिक होती है, किसी भी पेज में एक एलिमेंट को जो आईडी मैंने दे दी वो मैं किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मैंने दो एलिमेंट को दे दिया तो वो क्या करेगा, वो पहले वाले एलिमेंट को कंसिडर करेगा, बाकी को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जो सबसे टॉप पे जो मेरे पास है ना हेडिंग, उसको जैसे होम पेज है, इसको मैं क्या दे देता हूँ आईडी, इसको मैं आईडी दे देता हूँ टॉप। सही है, तो अब कहीं पे भी खड़ा होके मैं किसी लिंक पे अगर क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ टॉप पे जाओ तो टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ इसको जी के विंडो लोगो, विंडोज लोगो, एल को कैपिटल कर देता हूँ कैमल केस। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी आईडी के जो है ना वर्जन हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा इस पैराग्राफ के लास्ट में अगर मैं चाहूँ बैक टू टॉप वाला बटन बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग लगाऊंगा बैक टू टॉप, राइट। हाँ बैक टू टॉप हो गया। इसमें एच रेफ में अब मुझे क्या देना है, एच रेफ में मुझे देना है हैश और साथ में वो आईडी टॉप। हाँ हैश करके वो कॉल होगा। ठीक है, टॉप करने से ये किधर चला जाएगा, इस आईडी पे पहुंच जाएगा ये। अच्छा ये मैं हर पैराग्राफ के लास्ट में ये बैक टू टॉप लगा देता हूँ मैं। ठीक है, हर पैराग्राफ के लास्ट में मैंने ये बैक टू टॉप लगा दिया कि किसी भी पैराग्राफ के लास्ट पे आप खड़े हुए हो, आप वापस टॉप पे जाना चाहो तो आप ये बटन दबा के जा सकते हो। देखो हर पैराग्राफ के लास्ट में मैंने ये बात लिख दी। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, हर पैराग्राफ के लास्ट में नहीं लिखा होता बैक टू टॉप, बट जस्ट इन केस, ये समझाने के लिए एक्चुअल एक्चुअली आपको ना। ठीक है जी, बैक टू टॉप का बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा यह शुरू में मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूं, अगर शुरू में यहाँ पे मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ कि जी वर्जन हिस्ट्री के बाद ना, अब एक तो ये आ गया 1995 और अभी इसके बाद और कितने हैं मुझे क्या पता। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर एक लिस्ट बना देता हूँ कि जी ये है, और क्लिक करने से डायरेक्ट उधर ले जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी एक। तो मैं क्या कर देता हूँ जी इधर आके ये रहा, वर्जन हिस्ट्री के बाद यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या बना देता हूँ, एक यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एल आई और उसके अंदर एंकर टैग। सही है, इस एंकर टैग में सबसे पहले क्या चीज़ होगी, 1995 लोगो, ये वाली बात होगी इसमें। सही है, अभी इसमें वो क्या लिखना है, वो बात अभी बात की है। दूसरा आइटम क्या होगा इसके अंदर, जो अगली हेडिंग है विंडोज एक्सपी, दिस वुड बी द सेकंड आइटम इन द लिस्ट। सही है, और थर्ड आइटम क्या होगा, विंडोज विस्टा।
और इसमें फोर्थ आइटम बस तीन ही रखते हैं फिलहाल, वैसे तो बहुत सारी हेडिंग्स हैं आगे। अच्छा, तो इन तीनों हेडिंग को मैंने कोई ना कोई क्या दिया हुआ है, आईडी दी हुई है। तो सबसे पहले जो है उसको मैंने विंडोज लोगो दिया हुआ है, आईडी विंडोज लोगो दिया हुआ है। दूसरे को मैंने क्या दिया हुआ है, वेस्टा दिया हुआ है आई थिंक। अच्छा, विंडोज एक्सपी को मैंने कोई आईडी नहीं दी हुई है, दे देते हैं एक्सपी, दे देता हूँ मैं सर। ठीक है, सेकंड आइटम हमारा एक्सपी है, इसको एक्सपी दे देता हूँ मैं आईडी। ठीक है जी, एक्सपी। ठीक है जी, थर्ड हमारा जो है वो विस्टा है, विस्टा को मैंने आईडी दी है विस्टा। ठीक है जी, हेयर वी गो। अब मेरे पास क्या है जी, वर्जन हिस्ट्री की एक हेडिंग है, उसके बाद ये तीन मेरे पास बटन बने हुए आ रहे हैं। मैंने कहा कि ये एक्सपी पे डायरेक्ट मुझे जाना है, एक्सपी पे चलाइए। अब एक्सपी पे मौजूद है मैं, बैक टू टॉप के दो बटन आ रहे हैं मुझे, बैक टू टॉप के दो बटन दिख रहे हैं। मैं बैक टू टॉप किया, वापस टॉप पे आ गया, 1995 पे किया, मैं इधर आ गया। मैं विस्टा पे करूंगा, मैं ये क्या हुआ, विस्टा पे मैंने हैश नहीं लगाया, सही है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था। तो मैं विस्टा पे क्लिक करूंगा, मैं विस्टा पे मूव कर जाऊंगा, बैक टू टॉप करूंगा, मैं वापस टॉप पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि स्क्रॉलिंग क्या होती है, सेम पेज पे वो स्क्रॉल कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ, ऊपर और नीचे आप जा रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम ये होता है कि ऊपर जो नेविगेशन बार होता है उस पर क्लिक करने से वो बजाय दूसरे पेज पे ले जाने के उसी पेज पे स्क्रॉल कर देता है। ठीक है, तो इस तरह की भी डिजाइन आपको देखने को मिले होंगे वेबसाइट के, जिसमें नेविगेशन बार तो होती है लेकिन पेज दूसरा नहीं होता, पेज एक ही पे मूव करा देता है आपको वो। ठीक है, तो इसका काफी यूज रहता है, सेम पेज पे जो नेविगेशन इन्होंने बताई है इसका काफी यूज देखने में आता रहता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो आज के कंटेंट को हम यहीं तक रखते हैं।